चलिए, आज के लेक्चर का ही रिवीजन वीडियो है। तो इसमें हम अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट किया था। तो अल्कोहल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है सबसे पहले, तो कुछ रिएक्शन इसमें जो अपने पढ़े हुए हैं, कौन से इट इज अल्काइल हैलाइड के ऊपर, यदि हम क्या डालते हैं, इट इज एक्वस के ओ एच, एक्वस एन ए ओ एच है, मॉइस्ट ए जी टू ओ, तो क्या बन जाता है, एक्स हटकर ओ एच अल्कोहल बन जाएगा। देन इट इज अल्कीन्स का सेकेंड वाली मैथड है, अल्कीन का एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, क्या होता है, वाटर का मार्कोवानिक ऑफ एडिशन हो जाता है, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा जिसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा, तो रीअरेंजमेंट जो होता है इसकी वजह से क्या आ जाएगा, रिएक्शन में लिमिटेशन, कि मनचाहा अल्कोहल मिल जाए जरूरी नहीं है। इसके बाद अगली रिएक्शन भी अपनी पड़ी हुई है अल्कीन के ऊपर, इट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्या होता है, दिस इज एंटी मार्कोवानिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद अगला वाला जो कॉन्सेप्ट, दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये रिएक्शन भी क्या होता है, इट इज मार्कोवानिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर विदाउट रीअरेंजमेंट। तो ये जो सेकेंड वाली रिएक्शन होती है उसका जो लिमिटेशन होता है वो इससे ओवरकम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, दिस इज 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन पर रिएक्शन किसका कर रहे हैं, इट इज ओ एन एन ओ टू एंड एच सी एल एक्वस, ठीक है। क्या होता है, ये एन एन ओ टू एच सी एल के रिएक्शन से एच एन ओ टू बनता है, एच एन ओ टू के प्रोटोनेशन से क्या बन जाएगा, इट इज लॉस ऑफ वाटर से एन ओ पॉजिटिव बनेगा, एन ओ पॉजिटिव जो होता है वो किस पर, अमीन पर अटैक करता है, अमीन पर अटैक करेगा तो कौन सी चीज हो जाएगी, एनओ पॉजिटिव के अटैक से, तो बोलेंगे यहाँ से लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ एच पॉजिटिव से ही बनेगा, फिर इसमें टॉटोमराइजेशन से ये बन जाता है ना, इट इज आर एन डबल बॉन्ड एनओ एच, इसका प्रोटोनेशन होगा तो लॉस ऑफ वाटर से क्या बन जाएगा, इट इज आर एन टू, ये क्या, दिस इज डाई एजोनियम आयन होता है, क्या हो जाएगा इसमें फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से क्या बनता है, कार्बोकेटायन, इस पर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो हो जाएगा सी एल निगेटिव के अटैक से ना, क्या बन जाएगा, इट इज आर सी एल ओ एन ओ निगेटिव के अटैक से आर ओ एन ओ, और वाटर के अटैक से अल्कोहल जो होता है, दिस इज ऑप्टेंड एज द मेजर प्रोडक्ट, कार्बोकेटाइन में एलिमिनेशन से अल्कीन भी बनती है, तो ढेर सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का मिक्सचर यहाँ मिलता है ना, बट मेन प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज अल्कोहल। तो हम बोलेंगे एच एन ओ टू से कौन सी चीज होती है, एन एच टू हटकर यहाँ क्या लग जाता है, फाइनल इट इज ओ एच लग जाता है ना। इसके बाद से कौन सी चीज है, जैसे मिथाइल अमीन है, इस पर एन ए एन ओ टू एंड एच सी एल के रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे एक्सेप्शनल रिएक्शन है, मिथाइल नाइट्राइड बनता है, या मिथाइल अमीन एक्सेस में हो तो क्या बन जाएगा, दैट इज डाइमिथाइल ईथर बन जाता है ना। इसके बाद फिर डाई एजोटाइजेशन जो होता है ना, ये रिएक्शन क्या होती है, तो हम बोलेंगे यदि आर की जगह एन एच टू करेंगे तो सेम मैकेनिज्म से ये क्या बनता है, इट इज पी एच एन टू सी एल जो बनता है ना, तो 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड यदि टेम्परेचर रखा जाए तो रिएक्शन यहीं पर रुक जाती है, इसको डाइजोटाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद फिर ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कर लेंगे एसिडिक मीडियम में, तो क्या बन जाएगा, इट इज एसिड प्लस अल्कोहल रिएक्शन, रिवर्सिबल होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, एसिड प्लस अल्कोहल की रिएक्शन से ईस्टर प्लस वाटर बनेगा, दैट इज ईस्टरिफिकेशन। वो यदि ड्राई सील के प्रेजेंस में करवाते हैं तो रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इट इज फिशर स्पायर रिएक्शन। इसके बाद फिर ईस्टर का अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स वाली, ये स्यूडो यूनिमोलिकुलर है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, इट इज सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है, साथ में अल्कोहल बनता है, ठीक है। और इस वजह से रिएक्शन किसी हो जाती है, इट इज इरिवर्सिबल हो जाती है, क्योंकि सॉल्ट ऑफ एसिड पर क्या हो जाएगा, सिर्फ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हाई कॉन्सेंट्रेशन में हो तो ही अटैक कर पाते हैं, आर ओ एस क्या है, दैट इज वीक न्यूक्लियोफाइल, वो यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर वाली रिएक्शन भी अपनी पड़ी हुई फॉर्मेलिडिहाइड पर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल, aldehyde other than formaldehyde, इस पर Grignard's reagent followed by hydrolysis क्या बनता है, 2 degree alcohol, फिर ketone के ऊपर Grignard followed by hydrolysis क्या बनता है, that is 3 degree alcohol। इसके बाद फिर ether का अपन hydrolysis करवाएंगे तो ether के hydrolysis से क्या बनते हैं, 2 alcohols बनते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, ether का hydrolysis न्यूट्रल या alkaline medium में नहीं होता, क्योंकि RO negative क्या होता है, bad leaving group, acidic medium में हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में पहले ईथर का प्रोटोनेशन होता है, और अब क्या बन जाएगा, आर को बदल जाता है आर ओ एच में, और आर ओ एच क्या होता है, अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ पर प्रोटोनेशन की बात क्या होगा, इधर अटेक ऑफ वाटर डायरेक्टली हो जाता है, वो कब होगा, यदि दोनों में से एक भी अल्काइल ग्रुप क्या नहीं है, 3 डिग्री नहीं है, तो फिर ये वाला अटेक होता है। तो हम पांच चीज बोलेंगे, रिएक्शन ऐसे इन टू होती है, मतलब गवर्न बाय स्टीरिक हिंड्रेंस, तो क्या हो जाएगा, वाटर उस अल्काइल ग्रुप पर अटेक करेगा जिस पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम, क्या बनते हैं, यहाँ पर 2 अल्कोहल बन जाते हैं, यदि दोनों में से एक भी अल्काइल ग्रुप कैसा रहेगा, दैट इज 3 डिग्री, या ऐसा वाला कोई अल्काइल ग्रुप जिस पर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ऐसा कार्बोकेटाइन बनेगा जो 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल होगा, तो तब प्रोटोनेशन की बात क्या होगा, हम बोलेंगे अल्कोहल हटकर कार्बोकेटाइन बनेगा स्टेबल वाला, उस पर फिर वाटर का अटैक होगा तो उससे अल्कोहल बन जाता है, क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे एसिडिक मीडियम में ईथर के हाइड्रोलिसिस से हमेशा 2 अल्कोहल बनते हैं। इसके बाद बॉडी ऑल्ट ब्लैंक रिडक्शन है,
तो इसमें मल्डिहाइड का कीटोन का या ईस्टर का क्या करवाते हैं, सोडियम इन इथेनॉल से जब रिडक्शन करवाते हैं तो कौन सी चीज़ एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल बन जाता है, ईस्टर के रिडक्शन से क्या होगा, आर सी ओ वाले पार्ट से 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ओ आर वाले पार्ट से क्या हो जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कोई सा भी अल्कोहल बन सकता है। इट इज बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। इसके बाद फिर हमने इपोक्साइड के रिंग ओपनिंग रिएक्शंस देखी थी, तो हमने कौन सी चीज़ बोली थी कि इपोक्साइड पर होने वाले जो रिंग ओपनिंग रिएक्शंस होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। यानी इपोक्साइड क्या है, ईथर पर फिर भी इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन आसानी से हो जाते हैं क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के अटैक से यहाँ पर एक 3 मेंबर्ड हाई स्ट्रेनस रिंग जो होती है ओपन हो जाती है जिससे स्ट्रेन रिलीव हो जाता है। ठीक है, अब कौन सी चीज़ होती है इस रिएक्शन को, यदि हम क्या करेंगे इट इज एसिड कैटेलाइज बनवाएं या लेविस एसिड कैटेलाइज रखें तो कौन सी चीज़ हो जाएगी, तो हम बोलेंगे ईथर का पहले क्या हो जाएगा इट इज प्रोटोनेशन होता है। तो कौन सी चीज़ हम बोलते हैं जो एसिड कैटेलाइज रिंग ओपनिंग होती है SN1 टाइप की होती है, तो हम बोलेंगे इसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इपोक्साइड के उस कार्बन पर अटैक करता है जिस पर क्या रहेगा इट इज कार्बोकैटायन स्टेबल बनने वाला है। तो इस इपोक्साइड में प्रोटोनेशन के बाद न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा क्योंकि यहाँ क्या था पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, तो रिंग ओपन हो जाएगी, ये बनेगा यहाँ से एच पॉजिटिव हटकर ये फाइनल प्रोडक्ट इधर बन जाता है। ठीक है, तो हम कौन सी चीज़ बोलते हैं कि इपोक्साइड पर एसिड कैटेलाइज रिंग ओपनिंग रिएक्शन जो होती है SN1 टाइप की होती है, तो प्रोटोनेशन के या लेवस एसिड के यहाँ जोड़ने के बाद जब न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करता है तो वो किस कार्बन पर अटैक करेगा, तो हम बोलेंगे जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है वहाँ वो अटैक करता है। ठीक है, फिर इसमें क्या करना है, एक्चुअली क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना है कि यहाँ कार्बोकैटायन आपको नहीं बनाना है, बिना कार्बोकैटायन वो मानकर क्वेश्चन करना है कि कार्बोकैटायन यदि बनता तो कहाँ बनता। ठीक है, इसके बाद फिर कौन सी चीज़ होती है, तो हम बोलेंगे इट इज इपोक्साइड पर दूसरे टाइप का जो रिंग ओपनिंग होता है वो कौन सा रहेगा, इट इज डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल इनिशिएटेड होता है या इसको हम क्या होते हैं इट इज बेस कैटेलाइज। तो ये रिएक्शन क्या होती है SN2 टाइप की, तो यहाँ पर इपोक्साइड पर न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, तो हम बोलेंगे उस कार्बन पर जहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस कम होता है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक किया इधर से रिंग ओपन होगी, रिंग ओपन होकर ओपन नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर सॉल्वेंट इसको एच पॉजिटिव लेकर ये प्रोडक्ट बनवा देता है। तो हम बोलते हैं क्या रहेगा SN2 टाइप के रिएक्शंस में, कब होंगी जब न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट इपोक्साइड पर अटैक करेगा, तो कहाँ अटैक करते हैं जिस कार्बन पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम है वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद फिर हम कौन सी चीज़ देखते हैं कि इपोक्साइड पर ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होगी, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हमेशा SN2 टाइप की होती है, इपोक्साइड के कार्बन पर अटैक करके रिंग को ओपन करवाएगा, ये बनेगा आर जुड़ जाएगा एक कार्बन पर, MgX आ जाता है ओ नेगेटिव पर, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर अल्कोहल बन जाता है ना। ये रिएक्शन कभी भी क्या नहीं होगी, तो हम बोलेंगे इट इज SN1 टाइप की एसिड कैटेलाइज हो ही नहीं सकती। इसके बाद फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोऑक्सैलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स अमाइड को छोड़कर इन सब का जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करवाया जाता है तो ये सभी किस्म बदल जाते हैं, दैट इज इनटू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल चेंज हो जाते हैं। अमाइड्स जो होते हैं इनका भी रिडक्शन होगा, पर अमाइड के रिडक्शन पर क्या बनता है इट इज 1 डिग्री अमीन, क्या नहीं बनता इट इज अल्कोहल नहीं, तो एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, कीटोन से 2 डिग्री, एसिड क्लोराइड जो इससे फिर से 1 डिग्री, कार्बोक्सैलिक एसिड से भी 1 डिग्री, ईस्टर में जो आर सी ओ वाला हिस्सा होता है इससे 1 डिग्री, ओ आर वाले से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ आर। और ये जो एनहाइड्राइड है इसमें जो दोनों आर सी ओ होते हैं इनसे क्या बन जाएगा इट इज आर सी एच टू ओ एच बन जाता है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएंगे। इसके बाद ये एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड क्लोराइड ये वाले जो 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके लिए हम कौन सी चीज़ बोलेंगे कि इन पर जब LiAl(H4) से रिएक्शन होती है तो कौन सी चीज़ हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इन पर होने वाली LiAl(H4) वाली जो रिएक्शन होती है ना, ये तीनों की तीनों रिएक्शन NaBH4 से भी हो जाती है, NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर एनहाइड्राइड और अमाइड इनसे रिएक्शन नहीं करता क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी इट इज रिलेटिवली कम होती है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में।